गुरु प्रसाद ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लाव बिखम नदी जाए तरनी सजन सचा पातशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सब नाम दिसाह सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो सूही महला पंजवा सी संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे सुन बेनती प्रभ दीन दयाला साध गावें गुण सदा रसाला रहा जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करें बसें तिस नेरा जन की भूख तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना जन की भूख तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप जी आंदी अपार अपार बख्शिश है। असी मनुखी जीवन दे इस सफर नू माण रहे हाँ। शाम समय ये दीवान गुरुद्वारा साहब तो जो रूटीन दे विच चल देने चल रहा है आप जी ने हरि जस कीर्तन अजे हुणे सरवण करना कीता है। हुण समा बनिया असी गुरु उपदेश बाणी दी व्याख्या दे जरिए दृढ़ करांगे। इस वास्ते सूही राग दा अगलेरा चौपदियां दा बचन आप जी नूं सरवण करवाउणा कीता है। बचन गुरु अर्जन साहब उचरित कर रहे ने व्याख्यान लई मुख सुनेहे दे पदे नूं असी विवेचना गोचरे प्रारंभ कर रहे हाँ। महाराज बख्शिश कर रहे ने
सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावें गुण सदा रसाला रहा। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला। अकाल पुरख वाहगुरु अगे अरदास है। बेनती का मतलब अरजोई है, तरला लेना, मिन्नत करनी, पली करना, प्रेयर करनी। तो उसनू जदों प्रार्थना दे विच, प्रेयर दे विच एहसास लिया जा रहा, उहदा उस हस्ती का, शक्ति का, सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, दीना ते तरस करन वाला। पीपल हू आर इन पेन, हू आर नीडी, हू आर हैविंग वीकनेसिस, पीपल जिन्हां नूं तुसीं कह सकते हो कि जिहड़े वाकिया च ही लोड़वंद ने, दीन ने, जिन्हां दी कोई अपनी पाया नहीं, जिन्हां नूं कहा जाए कि पीपल हू आर टोटली वीक विदाउट एनी स्ट्रेंथ, जिन्हां दे कोल कोई समर्था नहीं है। सो उन्हां दे रूप दे विच बात करदियां क्या जिहड़ा उन्हां ते तरस करदा, जिहड़ा उन्हां ते दया करदा हैगा। बात स्पिरिचुअल साइड ते सी, उसे लैवल ते व्याख्या होनी है, पर नाल ही नॉर्दन अमेरिका दे विच जिथे ऑल ओवर द ग्लोब कोरोना वायरस उहदा एक वड्डा प्रकोप असी वेख रहे हैं, इहदे नाल ही जो मिनियापलिस दे विच तुसी लगातार उस चीज़ नू नोटिस कर रहे हो या पढ़ सुन रहे हो, उहदे सदका ऑल ओवर द स्टेट्स, ईवन साडे इत्थे भी कुछ डेमोस्ट्रेशन हुई है, होर जगह ते भी इस तरीके दे नाल सारी बात हो रही है। सो एक हालात दस रहे ने कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा रेसिज़म हैगा, जिहड़ी डिस्क्रिमिनेशन हैगी है, उहदे नाल मनुखता सफ़र कर रही है। सो इहदे बाबत इह कहना कि सपोज पीपल हू आर वल्नरेबल, पीपल हू आर वीक, पीपल हू आर नीडी, बीइंग ए ह्यूमन साडा पहला फर्ज है उन्हां दी बांह फड़नी, उन्हां ते तरस करना, उन्हां नूं गल लाना। गुरु नानक साहब दे सिखां, गुरु नानक साहब ने राह विखाया मानवता नूं, ते बाबा नानक जी दा राह ते सीधे उत्ते बड़ा सरल आ, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों कह रीस, जिथे नीच संभालियां। देखो जिहड़ा बंदा अदना आ, नीवा आ, जिहड़ा बंदा लोड़वंद आ, उहदी बांह फड़ी जाए, ना कि जिहड़ा ऑलरेडी दबिया आ उहनूं होर दबाया जाए, जिहड़ा मर रहा उहनूं होर मारिया जाए, जिहड़ा ऑलरेडी सफ़र कर रहा उहनूं होर सफरिंग दित्ती जाए। असीं रब तों तरस मंगदे हां, असीं अकाल पुरख वाहिगुरू नूं कहिंदे हां, दाता साडे गुनाह माफ़ करें, दाता साडे उत्ते मेहर दी निगाह करें। जदों सानूं मौका बने इंसान दे रूप दे विच किसे दूजे इंसान दे प्रति, साडी अप्रोच कैसी होनी चाहीदी है, यही गुरमत दा बड़ा प्रैक्टिकल निज़ाम है। पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी विच वी ट्रांसलेट इन इंडियन लैंग्वेजिस अध्यात्म, अध्यात्मकता जिहनूं असीं रूहानियत कहिंदे हां फारसी दे विच। बाबा नानक जी जदों असीं बाणी पढ़दे हाँ तो सानूं इह संदेश है नानक जोत दा, अध्यात्म हुंदा की है पहलां सोच। महाराज ने कहा अध्यात्म करम करह तह साचा, अध्यात्म यही है जो तू सच्चा कर्म करना, वखावा नहीं, हिपोक्रेसी नहीं, कोई इस किस्म दे नाल कोई खास रस्मो रिवाज नहीं, ते कर्मशील हो। ते कर्मशील की है? कर्मशील उही होवांगे जिदे च कंपैशनेट तरसदा मादा है। देखो मैं समझता इस तों सही ते क्लीयर पिक्चर की होएगी। बाबा नानक जी नूं पांधा है कहिंदा आ तेनूं जनेऊ पाउणा है। बाबा जी आपां पूरी साखी एक दिन विचारी सी इसे हाजरी दे च, बाबा जी कहिंदे जी आया कोई ऐसी गल नहीं, पांधा मैनूं कोई इतराज नहीं, धर्म माड़ी चीज़ नहीं, धर्म बड़ी चंगी चीज़ है, पर गल ये है कि धर्म सिर्फ विखावा नहीं हुंदा,
धर्म सिर्फ रस्मों रवाज नहीं होंगे, जे वाकया ची किसी जनेऊ की गल होएगी तो फिर इतों शुरू होएगी दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट। यह जनेऊ जी का है ता पांडे कत कत पंजाबी का लफज है पा, किसी नू इनवाइट करना मेरे गल कत नू पा, मैं किड़ा ना कर रहा पाण वास्ते पर आ पा ना। दया कपा तरस तो गल शुरू होएगी, दया तो गल शुरू होगी। जदों मनुखता दे विच असी देखते हाँ, देखो जिहड़े लोग गुनहगार ने, जिहड़े लोग किसी लैवल ते वनरेबल ने, किसी लैवल ते कोई माड़ी एक्टिविटीज़ दे विच पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ तो लैकिंग है ना सोशल स्ट्रक्चर दे विच, पोलिटिकल स्ट्रक्चर दे विच। मैं खुद प्रिजन दे नाल काम कर रहा पिछले कई वरिया तो, प्रिजन दे विच जिहड़े असीं डेमोग्राफिकली देखते हैं तो वड्डा हिस्सा पापूलेशन का पीपल विद कलर ने, मतलब ये चीज़ नूं देख के बंदा जजमेंटल बन जाए, लोग माड़े ने, ये लोग कुछ ने, शाह मूल के लोग जिन्हों का रंग शाह रूप आ, भाव पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम ब्लैक ओरिजन। भाई तुसीं जजमेंटल बनने की बजाय, जज करन की बजाय उस सोशल स्ट्रक्चर नूं देखो जिहदे विचों आ रहे ने सारे उस रूप के। जे असी मनुखता ने किसी एक उस स्वर्ग नू मानना है, बाणी ने बड़ा क्लीयर किया वे मुए हुए जो मुक्त दिहोगे, मुक्त न जाना कोयला, मर के मुक्ति मिली कौन वेखण जाएगा पिछे, कौन दसेगा आके मैं मुक्त हो गया वा। मुक्ति तो इत्थे चाहीदी है ना, सैलवेशन तो इत्थे चाहीदी है। सारी उम्र बंदा इत्थे किसी किस्म दे नाल अपनी जून दा कल्याण ना कर सके, भावें वह वकारां करके है, भावें वह संसार दियां वगारां करके है, भावें वह किसी होर मनुखी सुभा दी वीकनैस अलामत करके है, हर रूप दे विच मुक्ति इत्थे चाहीदी है। ते मुक्ति फिर बाणी ने कहा यह किसी इंडिविजुअल नूं मिलण वाली चीज़ नहीं गी, यह तो सांझी मुक्ति है, सांझा कल्याण। तो सांझी मुक्ति जिहड़ी जमाती मुक्ति है, यह सारयां दे भले च ही अपने भले दे च है, भाव बंदा सब दे कल्याण हित सब दे भले हेठ कार्यशील होए। बाबा नानक जी उस वक्त ते पूरी ट्रेडिशन सी, कल्चर सी, सब चीज़ां सीगियां इस तरीके दे नाल भी जे तुसी धर्मी बनना है तो ईजी है, घर बार छड्डो, जंगलां बेलियां च जा बैठो, गुफावां च जा बैठो, चुप करके अपनी समाधि ला लो, मौज ही मौज है। बाबा जी, बाबा जी तो समाधि नहीं लाते एवें जाके, बल्कि जो योगियों को भी जाते हैं तो योगी कहते हैं चंगा हो गया तुसी आ गए हो इत्थे, बस हुण इत्थे टिकाणा करो, मौज इत्थे, बस जो कहोगे वो तुहानूं मुयस्सर करा देंगे, इत्थे बस इत्थे समाधि ला के बैठना। बाबा जी कहते ना ना इत्थे नहीं रहना, ना तुहानूं रहण देना, दुनिया च लैके जाना वापस। बाबा कैसिया गल्लां करदा है, इत्थे तैनूं ध्यान लाउणा सिखाउने आ, ध्यान दियां गल्लां करांगे, अंदर दी दुनिया दियां बातां करांगे। बाबा जी कहिंदे हो मैं भी तुहानूं ध्यान लाउणा ही सिखाउणा है, पर इह ध्यान ओह नहीं जिहड़ा ध्यान तुसीं ला रहे हो, नो नो नो, माई मैडीटेशन इज टोटली डिफरेंट, दैट मैडीटेशन इज एक्चुअली लीडिंग यू टूवर्ड दिस वर्ल्ड, स्पैशली पीपल हू आर इन पेन, हू आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। असी बचन पढ़ते हैं भाई गुरदास जी दी रचनावां दे विच, बाबा देख है ध्यान धर जल्दी सब पृथ्वी दिसे आए, उन्हूं पृथ्वी दे दुख दिसे, लोकां दे जीवन सड़दे दिसे, उन्हें कहा वो घर कादा सुखी घर आ जिहड़ा आप ते सुख माण रहा लोकां दे घर सड़दे वेख रहा है, ना 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 घरों निकल। बाबा करदा भी यही रहा, कर्म सच अध्यात्मकता यह है। सैदपुर घर बल दे, बाबा सुल्तानपुर बैठा है, बाबे ने लगे मैनू की है भाई बलदे ने बली जा ना, सैदपुर के बलदे कर बाबे ने अपने घर दिसते, बाबा उतों निकल के सैदपुर जाता तुर के, उत्थे जाके हाँ दा नारा मारदा, बाबर वर्गे जरवाणे की घोड़े की वाग फटदा, कहिंदा बाबर तेनू आशीशा किसे नहीं विखाउणा, ना कर जुलम इस मनुखता ते। बाबर मैं तेनू पुछना चाहुंदा आ, हाकम आ
कि लटेरा आ। बाबर नूं इह गल बड़ी चुभी, इह किवें हो सकदा है, शब्द ते ही है ना, पाप की जंज लै काबलों धाया, आया तू काबल तो, तेनू कहणगे तू बहुत जिहड़ा हैगा आ वड्डा शाह है, बादशाह है, उस तरीके नाल लोकी तेरी प्रेयर्स करनगे, तेनू खिलतां देणगे। मैं नहीं मनदा इस गल नूं, मैनू ते पक्के तौर ते इह विश्वास हो गया तेरा सारा अमल देख के, तू पापी ते पापी भी नहीं, पापियां दा लाड़ा महापापी है। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दानवे ला लो, बरात चक्की फिरदा नाल लटेरियां दी। बाबर नूं इह चीज डाइजेस्ट नहीं होई, बाबर नूं लगा ओ हो आ की हो गया। उत्थे ही बाबा नानक जी ने फिर बाबर दा इह पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, जे हुक्मरान है फिर इस संसार नूं, इस ना लोकां नूं रियाया दे तौर ते देख, इन्हां ते जुलम ना कर। सो ये चीज़ां जिहड़ियां मैं सारियां बयान कर रहा वा इस रूप दे विच आ, देखो धर्म नूं सही रूप विच अंडरसटैंड किया जाए। धर्म ना है कंपैशन दा, धर्म ना आ आले दुआले दे उत्ते तरस करन दा, प्यार करन दा, स्नेह करन दा। जिथे किते मौका बने उत्थे नीवे अदने दे हक च खलोण दा। असी ते शब्द बाणी च पढ़ रहे हां वार वार कि देख बंदे सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत, अदने दे हेत। दीन दीन ही धर्म है, लोड़वंद की बांह फड़नी, लोड़वंद नूं जिहड़ा हैगा चीज़ मुयसर करवाउणी, लोड़वंद दे नेड़े जाणा। इह सब रूपां दे विच देखदिआं होइआं जिहो जिहे हालात बन रहे ने, असीं आप इत्थे हाँ, साडी आउण वालीआं जनरेशनज ने इत्थे होणा आ। बंदा जदों कोई दूजा जुल्म करदा है उहनूं कहिंदा माड़ा, जालम बनना बड़ा माड़ा है। पर जे डीप लैवल ते देखिआ जाए ते बंदे दी जिहड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है उह इस तरहां आ भी जुल्म ते माड़ा आ, पर उदों तक माड़ा है जदों दूजा करदा, जदों मैं उहदी थां ते जावां फिर मैं करां ते फिर कोई नहीं, फिर न्याय है। इह ना होए, इह चीज़ हर लैवल ते सानू जिहड़ी है उहनू किसे तरीके नाल एक्सैप्ट नहीं करना चाहीदा। इहदी सिंपल एक्सरसाइजिज घरां थावां तों शुरू करिए, घरां दे विच जीरो डिस्क्रिमिनेशन होए, भावें उह जेंडर बेस्ड आ, भावें उह एज बेस्ड आ, भावें उह इनकम बेस्ड आ, स्टेटस बेस्ड आ, यू नो दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी कैन ईजीली नोटिस इन आवर फैमिली स्ट्रक्चरस, इहदे उत्ते कम कीता जाए। दूसरा, जीवन प्रिंसीपल बेस्ड होए, ये धर्म है। अध्यात्म कर्म करे तै साचा, सच्चा कर्म करे, अपने आप नूं बेस्ड ऑन प्रिंसीपल लाइफ स्टाइल उस लैवल ते अडोप्ट कीता जाए, सब दे कल्याण, सब दे भले हित कारकुशीलता कीती जाए। ये सब करद्या होया फिर अकाल पुरख वाहगुरु के चरणों ते अरदास की जाए, मालका तरस करी मेरे ते। जदों फिर वो तरस के घर में आता है फिर सानू सुख मानन की जाच भी सिखाउंदा है, जिहड़ा सुख स्पिरिचुअल साइड तो जो वातके च बंदा अपनी बैटरमेंट वाले पासे काम करता आ, ते खास करके गुरबाणी रिसाइट करनी, गुरबाणी पढ़नी, अलापनी समझनी, ये सब चीज़ां सजाना, ये नाल फिर बंदे नू जो असल एहसास हुंदा आ वो एहसास यही है। महाराज कहिंदे अरदासां करदा बंदा, सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावें गुण सदा रसाला। ये विनती करी, मे विनती सुनी मेरी जो मैं विनती कर रहा तेरे अगे, साध गावें गुण सदा रसाला, तेरे रस विच रसे हुए साधु जन तेरा गुणगान करन। हुण एक सिंपल लाइन आ पर इहदे भाव रूप विच इंज जाणो कि इक ते जो साध महिमा है, साध महिमा तो मुराद अज दौर बदलिया है, बदले दौर दे विच जिहनूं तुसीं अडंबर कह लो, हिपोक्रेसी, भाई गुरदास जी दे सी पदे पढ़दे हाँ, वो कहिंदे गुच्छा होए तर कोनिया नहीं, बुढ़िया दख है अके केरी खखड़ी, कोई अंब न आख है गहने जुंजर, पोछता नहीं सोइन साख है, फटक न पुजै हीरियां ओ भरै ब्याख है, धौले दिसण छा दुध साधों गुण गाख है, साध असाध परखिय करतूत सुपाख है। हुण साध अखवान तो कोई भी अखवा सकता है, लिबास पा लिया या होर किस किस्म की जिहड़ी
सारी बात कर ली। फिर कई बारी चीज़ा भुलेखा भी इस तरह पा जांदियां ने, जिवें भाई गुरदास जी एग्जाम्पल कर रहे ने कि एक लैवल ते है गुच्छा होए तरकोनिया नहीं बुढ़िया दख है। तरकोने जो तरेक या कुछ इलाकों च डेक कह दिता जाता है, एक नेटिव पंजाब के एनवायरमेंट के बड़ा वधिया एक ट्री हैगा, तो उसनों जिहड़ा फल लगता है उन्हें तरकोने कहा जाता है। कुछ इलाकों गटोलियां भी कह देंगे ने उसनों, तो वह बिल्कुल अंगूरों वर्गे होंगे ने, जिवें अंगूरों के गुच्छे होंगे ने, इस तरीके तरकोने होंगे ने। जे तुसीं उन्हां नूं एक दूरी तो देखो तो एक अंगूछा अंगूरों का लैके एक गुच्छा तरकोनिया का लैके, तो फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर दोवां दे स्वाद विच दोवां दी तासीर विच बहुत वड्डा फर्क है। जिवें भाई गुरदास जी कहिंदे गुच्छा ज्यों तरकोनिया नहीं बुढ़िया दख है। दाख अंगूर नूं कहा गया, दाख दे नेड़े थोड़ा अपड़ सकता है। कई बार साधु अपने आप नूं क्लेम करन वाले, धार्मिक क्लेम करन वाले एक हिपोक्रेटिक करैक्टर दे नाल भरे होंदे ने। लोगों लगता धर्मी ने साधु ने, नेड़े जाते ने पता लगता वह जिमें कोई भुलेखे दे नाल अंगूरां दे गुच्छे की बजाय तरकोने के गुच्छे तो कुछ तोड़ के मूँह च पा ले, तो पता लगे भी वह तो कौड़ा जहर वर्ग। सो साध असाध परखी है, साध असाध नूं किवें परखोगे? करतूत सुपाख है। एक तो करतूत दरियाफ्त है कर्म, दूसरा सुपाख है जबान बोलबाणी। जिहड़ी बोलबाणी है ये बड़ी दूर तक जाती है। हरफां लफजां अलफाजां की चोण जिहड़ी है, बंदा जितनी वध टॉन्टिंग करेगा, जिन्नी वध उस तरीके की भाषा यूज़ करेगा जिहदे नाल दूजियां नूं नीवां विखाया जाए, दूजियां दे उत्ते इल्ज़ाम तराशी की जाए, ये सब चीज़ां जिहड़ियां वड्डे लैवल ते होण, इहदे नाल कोई बहुत चंगी एग्जाम्पल सैट नहीं होंदी। समाज वरतों विहार के निज़ाम नूं स्थापित तां ही कर सकदा जे एक दूजे दे प्रति कम्यूनीकेशन प्रोपर होए, लफज़ अलफाज हरफ प्रोपर हो। मैं तो सिंपल बात कहिंदा वां, घरां थावां दे विच बोल बाणी का लहजा ठीक करो, एक दूजे नूं सत्कार नाल बोलो, सत्कार देवो, फिर इहो चीज़ इंस्टीट्यूशन साइड ते आ जाए। साढ़े हर एक छोटे तो छोटा जिहड़ा इशू है बहुत वड्डी ट्रबल किवें क्रिएट कर देंदा हैगा, क्योंकि बहना नहीं आउंदा, एक दूजे नाल गल करनी नहीं आउंदी, बोलना नहीं आउंदा एक दूजे तो, वो सारे रूप दे विच जिहड़ा तवाजन है। मैं तो माफ़ी चाहूँगा, सोशल मीडिया तो बहुत दूर हाँ, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड देयर। हालांकि बहुत वधिया प्लेटफॉर्म है, कभी अंदर समय च कभी समा होया दैन डेफिनेटली आई कैन पार्टिसिपेट इन दैट, बट एट प्रेजेंट आई एम नो वेयर, ये सच है। पर जिहड़ा थोड़ा बहुता उत्थों किसी तरीके दे नाल कोई बंदा मैसेज भेजदा है, कोई ईमेल आ रही है कुछ इस तरीके नाल, तो फिर दस्या जांदा है कि आ सारा कुछ उत्थे बात चल रही है, या आम करके चर्चा च पता लगता है। एहसास ये हुंदा है कोई एक जिन्हों कहा जाए कि किसी तरीके दे नाल कोई पैमाना नहीं गा, उत्थे कोई किसी किस्म दे नाल कोई स्टैंडर्ड मेनटेन करन दी बात नहीं गई, बल्कि हालत यह है कि लफजां अलफाजां हरफां दे विच कुड़त्तन गैर मनुखी जो अंसर भाव उस तरीके दे नाल, ते सब तो वड्डी फिर गाली गलोच ते अलामत वाले लैवल ते आ जाना। हुण इस सारे दे विचों तुसी किहड़ा धर्म कढोगे, किहड़ी धार्मिक आभा मंडित करोगे, तो की अपना ते समाज दे आले दुआले दा कल्याण करोगे? सो साध उह है जिहड़ा अपनी गुफ्तगू जिहड़ी गुफ्तार आ उन्हूं दुरुस्त करे, दूजियां लई एक प्रेरणा बने, इंस्पिरेशन बने, जिहदे सदका समाज ते चंगेरा उसारी हो सके। गुरु बाबा जी ने इहदी बात मतलब प्यार स्नेह लफजां अलफाजां हरफां दे जरिए ना, महाराज ने किहड़ा गोश्त नहीं कीती, जोगियां नाल चर्चावां कीतियां, काजियां नाल, मुलाणियां नाल, राजियां नाल, शाहां नाल,
हर तरह के लोगों के नाल ते माहौल बना के रखिया सारा उस रूप दे विच, क्योंकि मुख आशा अपना ते अपने आले दुआले दा उन्हूं उसारी देनी है, उन्हूं बर्बाद नहीं करना, तबाह नहीं करना। चीज़ां तोड़नियाँ बर्बाद करनियाँ बहुत सौखियाँ ने, बनानियाँ उसारनियाँ यही मुश्किल है। साहिब पातशाह ने बयान जिहड़ा कीता है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु तरस करी साधां दे दर्शन होम, साधक बिरती वाले लोग उन्हां दे नाल सांझ बने, आप साधु बना, दूजियां नूं साधु बनिया होए वेखना चाहां। इस लैवल ते बात आवे, इत्थे बचन आ रहा हैगा कि हे परिपूर्ण जी सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावें गुण सदा रसाला, तेरे साधुआं दी संगत च बैठ के गुण गाए जाण सदा रसाला। जिहड़े सदा रस देण वाले, जिहड़े सदा जिहनूं कहा जाए कि इक ग्लोरियस फीलिंग देण अंदर, अदरवाइज बंदे दे अंदर सवाए हेटड तो सवाए नफरत तो कुछ भी होर नहीं पनप रहा। जदों बंदा नफरत ही परसीव कर रहा है, नफरत ही डिलीवर कर रहा है, फिर सुख कितों मिलेगा भाई? सुख तो है स्नेह प्राप्त करे, स्नेह वंडे, खलूस ही साढ़े करते। क्या गुरु बाबा जी ने जिहड़ा सिखी का मोटो स्थापित किया सीगा कि साच कहो सुन लिहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रब पायो। प्रीत दी पौड़ी चढ़ के ही इत्थे ते उसे उन्हों टपदिया टपदिया ही बंदा जिहड़ा है रब दे घर जा पहुँचता हैगा। इत्थे महाराज ने बयान किया, साध गावें उहदे गुणा नूं इस रूप विच गाण, उहदे नाल सांझ इस तरीके नाल पाण। अकाल पुरख वाहिगुरू जी गुण सदा रसाला, तेरे गुणात्मक पक्ष नूं रसात्मक पक्ष तों। हुण शुरुआती बचन आ, से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे। से संजोग, संजोग जिसनों असी जोड़ मेला भी कह सकते हैं, जिसनों असी किसी किस्म के उस तरीके का जिहड़ा ढो ढुकाना पंजाबी कह दें, या नू इंग्लिश लैंग्वेज कहना होए तो असी जिन्हों सरकम सांसिस कह सकते हैं। बंदा सरकम सांसिस की इस एक्चुअल लैवल पर पैदाइश होंदा है। जिस बंदे ने जो कुछ भी बनना वह जो सरकम सांसिस उन्होंने चाहिए ने, जो हम रूहानी तौर पर देखते दे हैं सरकम सांसिस योजे बन जान, बंदे नू पाठ, बंदे नू गुरबाणी, बंदे नू सत्संग, बंदे नू चंगेरे गुणात्मक पक्ष वाले जान, उस पासे जान वाले प्रेरणा मिले, सोर्सिस मिल जान, हालात बन जान। सब पातशाह कहिंदे मंग कर रहा मैं, से संजोग करो मेरे प्यारे, इहो जे संजोग ही बना दे, हालात सरकम सांसिस एवें दे बना दे। देखो इन मैं एक सिंपल एग्जाम्पल होर करके फिर बाकी बच्चों नूं वाइंड अप कर देना वा। अज असी इस नॉर्थ अमेरिकन वर्ल्ड च रह रहे हैगे हाँ, मैं जे हुणे मिनियापलिस की बात की है, होर तुसी स्टेट्स बारे काफ़ी कुछ सुन सुना रहे हो, होर चीज़ां भी हो रही ने, पर यह भी है कि साडा भी नॉर्थ अमेरिकन ड्रीम जिहड़ा हैगा साडा है कि नैक्सट जनरेशन हायर एजुकेशन ले, उन्हां दा जिहड़ा लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टेटस आ, वो साडे नालों वधिया होए, वो सुख मानण, यही चीज़ां असीं सुपने ड्रीम सजाए ने अपने अंदर। उहदे लई असी एज ए पेरेंट्स, एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली की कर सकते हैं? देखो बहुत ज़्यादा कुछ तो साढ़े वास नहीं है, सोसाइटी ने अपने आप बहुत सारिया चीज़ों शेप देनी होंगी है, पर फिर भी असी सरकम सांसिस हालात उवें दे बनाने विच मदद सा जिहड़ा हैगा कारगर रोल अदा कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट रोल असी प्ले कर सकते हैं। हुण जिथे माँ बाप नू अपने ही इशू वड्डे इशू लगी जाते हैं उन्हां नू ही, या पिछले फैमिली दे इशूज भी मैं फलां टाइम आया सीगा तो उदों मेरी वाइफ ने मेरी बात नहीं सुनी तो हुण मैं वाइफ की बात नहीं सुननी, या वाइफ ने कहा कि उदों मैं आई सी इत्थे इन्होंने मैनू तंग किया सी हुण मैं तंग करांगी, या इस किस्म दे जो कुड़त्तन लैके बैठे हैं सारे दे सारे, उस सारे दे नाल हुण जिहड़ा सरकम सांसिस ने करां थावां दे विच, इहनूं सिंपल एग्जाम्पल करके मैं फिर अगे वध जांदा वां। जिवें सपोज करो छोटा जिहा बच्चा घर दे विच, ते ओ
दादा दादी माँ बाप उन्हों अगे वधदा वेखना चाहते हैं। वो छोया ये माँ किते काम ते है बाहर है किते घर दादी है उदी दादी नूं कितों फोन आ जाता है दादी फोन ते गल्लां करदी है ते फोन ते गल्लां करदी हुई ये कह रही है उस बच्चे की माँ बारे भी वह तो बहुत माड़ी है या वो नूँ घर आ सस बाहर आ तो वो बारे नूँ कह रही एनी 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 वन कोई एक ना कोई भी लै लवो बच्चा सुन रहा है भी ओ हो मेरी माँ इन्नी माड़ी है मेरी दादी इन्नी माड़ी है हूँ आ चीज हो रही है एंड दे डोंट नो दे आर टोटली नॉट अवेयर अबाउट इट। अध्यात्म भावें बंदा सवेरे शाम पाठ भी करता है गुरुद्वारा साहब भी जाता है पर कर्म करा तो साचा वो सच्चाई है नहीं कुछ भी रियालिटी के नेड़े नहीं है। बाद दे विच बच्चे की तो सारी कैमिस्ट्री बदल गई अंदरों वो अंदर की दुनिया बदल उन्हें लगा की हो रहा है एक सरफेस से घर है एक सरफेस के थले घर चल रहा दूसरा हूँ इस हालात के बाद दादी उन्होंने कहती है या उसकी माँ जिन कोई भी जो भी परसन है उत्ते बेटा तू पढ़ तू अगे वध तू सब चीज़ा भाई तेरा पढ़ना पढ़ा हूँ तू किस लोग तू तेन इस डिस्टर्ब करता ऑलरेडी यदि कल मेंटल हेल्थ ना खराब होए ये कि रब का शुक्र ही होएगा एक कि डिस्टर्ब ना होए डिस्ट्रैक्ट ना होए अपने रात हो तो कि रब का शुक्र ही होएगा अदरवाइज अदरवाइज तू तो कोई कसर नहीं छड़ी सरकमस्टांसिस हालात असी कहो जे बनाने सारे हालात इस किस्म के होण जिदे नाल आले दुआले का भला होए तो फिर अपना भला हो फिर बंदा कहिंदा मेरे वसों बाहर आ घर च क्रोध फैल जाता है घर च मोह फैल जाता है घर के हंकार करके टकराव हो जाता है सब चीज़ा महाराज ने बयान किया अरदास करया कर तरला लिया कर दाता तरस करी मेरे ते से संजोग करो मेरे प्यारे एहो जा टोर टुका एहो जे सरकमस्टांसिस बिल्ड करन दे विच मेरी हैल्प कर जित रसना हरिनाम उचारे जिदे सदका रसना मेरी हरी नाम का उचारण करे लिटरली तौर पर रब का नाम मेरी जबान तो निकले मैं बोला मैं कहा देखो अपने आप नूं भी दसना पैंदा आ वो मना रब रब कर गुरु गुरु कर शुकर शुकर कर आले दुआले नूं भी दसना पैंदा आ ये चीज़ा बोलनिया कहनिया सुननिया यही धर्म है। इफ वी रियली वॉन्ट टू सी सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बैटरमेंट दैन वी लिटरली वी हैव टू प्रैक्टिस महाराज इस चीज उत्ते जोर देंदे ने उन्होंने साहब ने कहा जित रसना हरिनाम उचारे अगला बचन महाराज बयान करदे दे विच जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करें बसें तिस नेरा जड़ा रब दा रूप आ जीवन रूप आ पर उस सिमरन विचों आउंदा है। फिर बात करांगा सिमरन हाँ असी वैगुरु अल्लाह अल्लाह राम राम रब रब इस सारे नाल शुरुआत करते हैं तो लिटरली तौर पर करो उस रूप दे विच पर इस सिमरन का प्रभाव भी हिरदे विच लैके जाओ मन विच लैके जाओ अंदर की दुनिया च लैके जाओ। सपोज इफ आई एम रिसाइटिंग समथिंग फ्रॉम माई माउथ बट एट द सेम टाइम इन माई माइंड something else is going on that means it's a mismatch and this mismatch is going to lead me toward hypocrisy the hypocrisy that a sitta aya oh bahut a changa nahi nikalda adambar de vichon kadi kise nu kuch nahi milya sab kehnde andaron bahron ik ho ja sanu te bachan kahe gaye ne dilon mohabbat jin सही सच्चे आ जिदे दिल च खलूस आ मुहब्बत आ उही सच आ जिदे अंदर ये चीज़ नहीं है महाराज कहिंदे जिन मन होर मुख होर से कांड है कच्चे आ वो कांड है कच्चे ने भाव उन्हां दे विच मतलब पाकीजगी नहीं पक्याई नहीं गई। गुरु बाबा जी ने कहा सिमरन जीवन रूप हो जाए रब दा निर्मल पहै साडे जीवन की जाच जिन्हों कहा गया कि साडे जीवन का
जिहड़ा है जाविया बन जाए, वे ऑफ लाइफ बन जाए। जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करें बसें तिस नेरा। ते जिस ते तरस करदा उन्हूं फिर लगदा है रब किते दूर नहीं, मना अंग संग ते है, हाजर नाजर ते है। की लुपकाउणा है उहदे तों, की छुपाउणा है ते की पै खाणा है किसे तों, उहदी बात होई। जन की भूख तेरा नाम आहार, आहार जो सानूं भुख लगदी है सानूं क्रेविंग हुंदी है, ते क्रेविंग जिहड़ी है यू नो ये ते फिर भुखे नूं पुछ के देखो ना, वह फिर जो मर्जी चारा होए वह कहिंदा भी मैनू जो मर्जी हो जाए रोटी मिलनी चाहिए। बिकॉज ही सफरिंग ड्यू टू हंगर, ड्यू टू एक्चुअली स्टारविंग। हुण इह जिहड़ी बात आ, जदों स्पिरिचुअल साइड ते साचे नाम की लागै भूख, जदों वह बात आवे सब कहिंदे जन की भूख तेरा नाम आहार, फिर तेरा नाम आहार खुराक बनेगी उहदे वास्ते, वह फिर एफर्ट पाएगा, वह संजोग पैदा करने लई अकाल पुरख वाहिगुरु अगे अरदासां करेगा। एंड वैन एवर दैट परसन गैट एनी चांस, दैट परसन नोट गोना एक्चुअली लीव दोज चांसिस एट ऑल, नो ही और शी इज गोइंग टू गैट बेनीफिट फ्रॉम एनी चांस मदर नेचर इज प्रोवाइडिंग हिम और हर। वो यत्न करेगा, जिवें बंदे नूं कोई ना कोई बहाना लभना किसी चीज़ वास्ते, खाण दे बहाने लोग बना लेंदे ना कुछ ना कुछ, चलो अज मीह पै रहा पकौड़े कट दो, अज जिहड़ा हैगा वो अज थोड़ी गर्मी हुई इस तरह कर लो। वट इज़ दिस, खाण दा आहार आहार हो रहा है। जो बंदा रब्बी लैवल ते है वही फिर कुछ ना कुछ आहार लभदा है, कोई ना कोई शुक्र करन दा, धन्नवाद करन दा, पाठ करन दा, भजन, ये चीज़ बनती है। इनू साहब ने कहा कि जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार, बाकी तू ही तरस करके देने वाला है, मैनू ये नवाजिश दे दे, मैनू ये जाच दे दे। राम रमत संतन सुखमाना, जिहड़े संत रूप संत बिरती दे नाल परना जांदे ने उन्होंने राम रमत, उहदी होंद विच रमे हुए दी होंद विच उन्होंने रमत कीतिया, अपने आप नू इनकलूड कीतिया, अपने आप नू सांझ बनाया। सुखमाना सुख प्राप्त होंदा है। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਦ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖਮਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। साहब रहमत करन इन्ना महान बोलने चो सानू समझ आवे। मैं जिवें स्टेट्स विच फैली हुई वायलेंस की गल की है, मिनियापुलिस या होर सारे स्टेट्स से सिटीज़ दे विच, अरदास है मालक दे चरणा दे विच, इन्ना मुल्कां दे विच माहौल वाजब होए, कारगर होए, ते इत्थे ही नहीं पूरी दुनिया दे विच कारगर होए। असी ते जून 84 नूं याद करना है, अगले हफ्ते दे विच उन्हां शहीदां नूं भी नमन करनी है। असी ते आप स्टेट मिशनरी दे एक जिहड़ा है बड़ा वड्डा संताप हो गया सारे दा सारा, उस तरीके दे नाल उस सब दे लई मालक दे चरणां च अरदास है। मालक सब नूं तौफीकी दई, सब नूं सोझी दई। मनुख मनुख दा दुश्मन नहीं, मनुख मनुख दा दारू बने। ਨਾਲ ਹੀ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।